ये देखिए, खेतों से हम पतली पतली मूली उखाड़ के लाए हैं और इसका बनाएंगे हम भुज्जी। सर्दी का मौसम है तो इस मौसम में भुज्जी मतलब रोटी के साथ, पराठे के साथ बना के खा सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ये रेसिपी है और इस तरह से ज़रूर आप इस मौसम में ज़रूर पतली पतली मूलियों को देखिए, कितनी पतली पतली मूलियाँ हमने उखाड़ जाए हैं अपने खेतों से। और आप, आपके पास खेत नहीं है तो मार्केट में मूली ऐसा अवेलेबल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम बनाएंगे मूली की भुज्जी और तीन कोने वाली पराठे जो गांव में देसी स्टाइल से बनता है वो हम बनाएंगे। तो उसको बोलते हैं मुरई के भुजिया पराठा, मुरई के भुजिया पराठा बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से हम बनाएंगे, बहुत मजा आएगा बच्चों को और हम लोग भी खाएंगे। हाँ प्रिंसी, हम लोग सब आदमी मूली को पहले बढ़िया से साफ कर देते हैं, ये पीजे पीजे पत्ते निकाल देते हैं और इसमें से जो सोर होता है, ये देखिए सोर होता है, जड़े इसको भी हम लोग तोड़ देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर जड़ भी भुजी में बने कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से धुल जाना चाहिए। ये देखिए उधर वो पत्ता काट रहे हैं, इधर हम मूली काट रहे हैं और इसका भुजिया बनेगा। देखिए कितना छोटा छोटा मूली है, इसका भुजिया बहुत ही लजीज बनेगा और वो भी खाएंगे हम पराठे के साथ। बड़ा मज़ा आने वाला है आज, इसको आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी सीजन चल रहा है मूली का, मूली का सीजन चल रहा है तो मूली खाना ही चाहिए। ये देखिए सारा हम मूली के पत्ते को काट दिए और मूली को भी काट दिए हैं। अब इसको हम बढ़िया से तीन चार पानी धो देंगे, अलग अलग धो लेंगे। ललित धोता, ये देखिए ये जो मूली है ये बेचने के लिए जा रहा है और ये थोड़ा बड़ा बड़ा मूली है। मूली का पत्तों का हम भुजिया बनाएंगे तो इसको इस तरीके से धोना पड़ता है, इसका निकियाना पड़ता है। तो देखिए इधर भी मूली है, ये भी धोया जाएगा। अरे प्रिंसिपल ऊपर को के तनी जरवा के दबावा, खाली पत्ते ही लोकेगा। देखिए मूली को जो हमने काट लिया था इसको हम तीन चार पानी पहले धो लिए हैं और फिर एक बर्तन में निकाल देंगे। और उसके बाद हम मूली के पत्तों को धोएंगे क्योंकि हमने मूली को धो लिया है बढ़िया से और इसी में ज़्यादा मिट्टी था। अब पत्ते को भी तीन चार पानी धो देंगे मूली के पत्तों को, और इसको डूबते हुए पानी में तीन चार पानी धोएंगे हम। अमूली के पत्तों में हम बढ़िया से डूबते हुए पानी भर देंगे। देखिए इसमें थोड़ा पानी कम है। और इसको बढ़िया से हम धोएंगे। ये थोड़ा सा पानी में छोड़ देते हैं दो चार पाँच मिनट तो इसके पत्ते बढ़िया से भीग जाते हैं और फिर जो इसमें का मिट्टी होता है वो निकल जाता है। तो देखिए हम एक दो मिनट इसको छोड़ दिए हैं और इसको हमें ज़्यादा पानी में धोना होता है। तो देखिए हम एक बड़ा पतीला लगाए हैं, इसमें अब धोएंगे। ये देखिए हम मूली के पत्तों को और मूली को बढ़िया से धो लिए हैं, अब इसको तड़का लगाएंगे। देखिए मूली के भुजी बनाने के लिए हम तड़के में लिए हैं ये एक चम्मच जीरा है और कम से कम 15 हरी मिर्च है। इसको हम डंठल तोड़ के और बारीक बारीक काट देंगे और इससे हम तड़का लगाएंगे। तो सारा मिर्ची को हम काट देते हैं। ये देखिए हमने कढ़ाई दे दिया है और आज मेरे पास लकड़ ख़त्म है, इस वजह से हम गैस पे बना रहे हैं।
ये देखिए हमारा कढ़ाई गर्म हो गया है, तो वहीं पे सरसों का तेल डाल देते हैं। ये लगभग 250 ग्राम सरसों का तेल है। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है, तो हम तड़का डाल देते हैं इसी में। ये देखिए हमारा तड़का बढ़िया से तड़क गया है, इसी में सबसे पहले मूली को डाल देंगे। स्टार्टिंग में ऊपर आया था। इधर हम मूली के भुजी बना रहे हैं, जब तक हम आटा सनवा देते हैं, पराठे बनाएंगे उसके लिए। आटा को हम पहले से ही छान लिए हैं। अब पत्ते को डाल देते हैं। तो आटा को हम गूंद देते हैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और इधर हम सब्जी को ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। बीच बीच में आप चलाते भी रहे। देखिए हम ढक्कन हटा लिए हैं, तो देखिए साग कितना था, बहुत ज़्यादा गल चुका है और इसमें पानी छोड़ दिया है। ये गांव का ताज़ा साग की यही क्वालिटी होती है कि पानी छोड़ेगा पूरा, और इसको हमें पानी को पूरा बिल्कुल भी खत्म कर देना होता है, भून के पानी को ख़त्म कर देना होता है। और थोड़ा सा गलेगा तो इस हिसाब से, अगर अभी आप नमक डाल रहे हैं तो थोड़ा कम ही डालें, और नहीं तो बिल्कुल लास्ट में आप नमक डालें। तो देखिए हम यहीं पे नमक डाल देते हैं, और इसको हम पूरा पानी गलने तक इसको हम पकाएंगे। इस तरह से इसको बिल्कुल सूखा बनाएंगे। इसको आपको पूरा तैयार करके हम दिखाते हैं, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगेगा कम से कम 15-20 मिनट। तो इसको ऐसे ही ढक ढक के पकाते रहें और चलाते रहें इसी तरह, और आपका ये 15 मिनट में भुजी बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा मूली का भुजिया बन के तैयार हो गया है, और बहुत इसमें से बढ़िया खुशबू आ रहा है। देखिए एकदम इस तरह से भुना पड़ा है, आप देख सकते हैं। इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए पराठे के लिए हम लोई काट देते हैं। आप छोटा बड़ा लोई कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा हो जाएगा, तो इसका हम दो पार्ट करेंगे। आपको जितना छोटा बड़ा पराठा बनाना हो बना सकते हैं। हम इस साइज़ का पराठा बना रहे हैं। इसको पहले हम एक छोटा रोटी परथन लगा के एक छोटा रोटी हम बेल देते हैं। ये देखिए हमने छोटा रोटी एक बेल दिया है। अब यहीं पे हम लगाएंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो घी, मक्खन, रिफाइन कुछ भी यूज कर सकते हैं, और इसको बढ़िया से हम चारों तरफ लगा देंगे। बढ़िया से आप लगाएंगे तो पूरा पराठा आपका खुल जाएगा, मतलब जितना बड़ा आप बेलेंगे उतना बड़ा पराठा आपको मिलेगा। और इस लेयर पर भी जो हाथ का तेल बचा होता है उस लेयर पर लगा के इसको यहाँ पर हम चिपका देते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर तेल भी लगा के बेल सकते हैं, और चाहे तो परथन भी लगा के बेल सकते हैं। तो पहले इस कोर को बढ़ाते हैं हम। पहले दोनों किनारे को हम बढ़ाते हैं पराठे बनाने के लिए। इस किनारे को बढ़ा दिया, फिर इस किनारे को बढ़ा दिया, और ऐसे करके ही हम पराठे बना देते हैं। ये देखिए अब ये तीन कोने का हमारा पराठा बन के तैयार हो गया है। इसको सेकने चलते हैं। हाँ, तो इसको रख देते हैं। इसको ये पराठा हमने बेल कर रख दिया है, और दूसरा पराठा के लिए हमने जोई दे दिया है, और इसको भी हम परथन लगा के एक छोटा रोटी या जिस हिसाब से आपको पराठे बनाने हो, अगर ये ज़्यादा आप बड़ा रोटी बना रहे हैं तो आपका पराठा और भी पतला पतला बनेगा। तो यहाँ इस समय बेलते समय आप पराठे रोटी को छोटा बना बेलें, अगर बड़ा बेलेंगे तो आपका पराठा पतला पतला बनेगा। वो हम खोल के आपको दिखाएंगे जब पराठा पक जाएगा तब। ये देखिए, और यहीं पर हम सरसों का तेल लगा देते हैं, और सरसों का तेल को चारों तरफ मिला देंगे। देखिए चारों कोनों में मिलाएंगे, और इसके बाद जो आपका हाथ में तेल बचा रहता है, इसको एक फोल्ड करने के बाद जो हाथ में तेल बचा रहता है उसको यहाँ ख़त्म कर दें, और फिर इसको डबल फोल्ड कर दें। और यहाँ पे आप चाहें तो परथन या तेल कुछ से भी बना सकते हैं। तो
ये देखिए पहला कुर हमने इधर बढ़ाया। तिकोना पराठा बनाने बहुत लोगों को नहीं आता है। ये देखिए एक एक किनारे हमें बढ़ाना होता है, सब किनारे की तरफ बराबर ध्यान देना होता है, तब ये तिकोना इक्वल होता है। ये देखिए हमारा तिकोना इक्वल हो चुका है, अब हम इसको चलते हैं सेक लेने। तो ऐसे ही हम बेलेंगे, लाला जी सेकेंगे। ये देखिए पहला पराठा हमारा, तवा हल्का गर्म हो गया है तो डाल देते हैं। बड़ा वाला तवा क्यों लियो? बड़ा तवा छोटा तवा से खाना। और इसी पे हम हल्का सा और मान लेते हैं। देखिए हमारा पहला पराठा बन के तैयार हो गया है। इसे पराठा हम डाल देते हैं और इसको बढ़िया से हम दोनों तरफ सेक देंगे। जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही सेम बनाना होता है, लेकिन इसको हम दोनों तरफ से सेकने के बाद हम इसमें तेल लगाते हैं। बढ़िया से सिक गया है और कितना बढ़िया करारा हुआ है, तो इसको निकाल देते हैं और दूसरा पराठा भी हम डाल देते हैं। Yeah.